जितना तुम डरोगी उतनी उसकी हिम्मत बढ़ेगी। डरना भी तुम्हें अच्छा लगता है, सूट नहीं करता। क्या मतलब आपको? कहाँ जाऊंगा मैं? हॉस्टल जाइए, यहाँ पर कुछ नहीं रखा है। आपके एग्जाम्स भी तो बाकी है। पहली बात, मेरा सिर्फ एक एग्जाम बाकी है जो मैं दूंगा और वापस आ जाऊंगा। मैं पहले भी तुम्हें कह चुका हूँ, किंग सर छोड़ने का कोई प्लान नहीं है। जगह प्लीज चले जाइए, दुर्गा मुझे घर कब आना है कब जाना है ये मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। जब समझ में आ गया है तो फिर क्यों पूछ रही हो? ये बात ही क्यों हो रही है? दुर्गा अपने राजेश के साथ रिश्ते से पीछे हटती है तो मैं दुर्गा की जिम्मेदारी। किसी अच्छी पहचान के साथ तो आप मुझे अपने पास नहीं रखते। हाँ जानती हूँ आप बड़े लोग ये सब करते हैं, आपको शायद सूट भी करता होगा, लेकिन किसने कह दिया कि मैं सब के लिए हाँ करूँगी? इससे अच्छा और ज़्यादा इज्जत देने वाली बात तो ये होगी कि राजेश मुझे मार, कम से कम इतना तो पता होगा कि मेरा पति मुझे मार रहा है। उस घर में क्या दर्द मैं जी रही हूँ वो मुझे ही पता है। राजेश अभी मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करता क्योंकि मैं उसका पूरा घर संभालती हूँ। उसकी दिलचस्पी सिर्फ दुर्गा में, और जब तक वो इसे नहीं पाएगा तब तक वो इसे परेशान करता रहेगा। और मुझे पता है दुर्गा इस चीज़ के लिए कभी नहीं मानेगी। सबको जाना ही मरना ही प्रकृति का नियम है, पर जीते जी तुम्हारी आत्मा अगर मर गई तो फिर क्या जीना? नहीं है शादी से निकलने का कोई जरूरी नहीं है। चलिए चलिए गाड़ी में बैठे। हाँ तुमसे रिक्वेस्ट है, बस आता है।